और कॉफ़ी जो बेवरेजेज हैं, जो पीने के लिए यूज़ की जाती चीज़ें हैं, उन्हें बेवरेजेस कहते हैं। जो प्लांट से हम ऑब्टेन करते हैं टी और कॉफ़ी, टी इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द लीव्स ऑफ द टी प्लांट। और जो टी होती है वो टी प्लांट की लीव्स होती है, पत्तियां वहाँ से ऑब्टेन करते हैं। वाइल कॉफ़ी इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द सीड्स ऑफ द कॉफ़ी प्लांट। और जो कॉफ़ी ऑब्टेन की जाती है वो कॉफ़ी प्लांट्स के सीड्स होते हैं, उनसे कॉफ़ी हम यूज़ करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। बेवरेजेज रिफ्रेश आवर मूड एंड प्रोवाइड एनर्जी एज वेल। तो बेवरेजेज हमारी हमें रिफ्रेश करते हैं हमारे मूड को, और हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। शुगर, शुगर एंड जेगरी आर ऑब्टेन फ्रॉम द जूस ऑफ शुगर केन प्लांट। जो गन्ना होता है शुगर केन, उससे शुगर और जेगरी होता है गुड़, ये बनाए जाते हैं उससे, जूस से। जो शुगर केन होता है गन्ना, उसके जूस से शक्कर और गुड़ बनाए जाते हैं। शुगर इज ऑल्सो प्रोड्यूस फ्रॉम बीट रूट्स। जो बीट रूट्स होता है चुकंदर, उससे भी बनाए जाते हैं। शुगर बीट रूट से भी बनाई जाती है। शुगर इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट। शुगर हमारी जो डाइट है उसका इम्पोर्टेंट पार्ट है। नाउ ऑयल, ऑयल इज ऑब्टेंड फ्रॉम द सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स। ऑयल सीड से भी ऑब्टेंड किए जाते हैं, और प्लांट्स के फ्रूट्स जो होते हैं उनसे भी ऑब्टेंड किए जाते हैं। इट प्रोवाइड्स एन एनर्जी, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इट इज़ यूज बाय आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। टू फॉर्म मटेरियल्स दैट आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ, ये हमारी ग्रोथ के लिए एसेंशियल होते हैं, ऐसे मटेरियल को बनाते हैं और बॉडी के लिए यूज़ किए जाते हैं। सम ऑफ द प्लांट्स फ्रॉम वेयर वी ऑब्टेन ऑयल आर सनफ्लावर। कुछ ऐसे प्लांट हैं जहाँ से हम ऑयल को ऑब्टेन करते हैं, सनफ्लावर, मस्टर्ड, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कोकोनट एसेट्रा। ये सब जो ऐसे प्लांट्स हैं जिनसे हम ऑयल निकालते हैं या ऑयल को ऑब्टेन करते हैं। नाउ फूड ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। अब जो फूड हम ऑब्टेन करते हैं एनिमल से, वो कैसे करते हैं और क्या क्या करते हैं। वी ऑल्सो ऑब्टेन फूड फ्रॉम एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हम फूड एनिमल से भी ऑब्टेन करते हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। सम ऑफ दीज फूड्स आर डिस्कस बिलो। कुछ फूड आइटम्स हैं वो नीचे दिए गए हैं। मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट, मिल्क और उसके प्रोडक्ट क्या क्या हैं। मिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम शीप, काउ, बफेलो एंड कैमल, इनसे मिल्क निकाला जाता है। इट इज़ रिच इन प्रोटीन्स, कैल्शियम एंड विटामिन्स। और इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें होते हैं प्रोटीन्स, कैल्शियम और विटामिन्स मिलते हैं। दस इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ, ये हमारी प्रॉपर ग्रोथ के लिए एंड डेवलपमेंट ऑफ अवर बॉडी, हमारी प्रॉपर ग्रोथ और हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वी कैन ड्रिंक मिल्क एज ऑब्टेंड फ्रॉम द एनिमल्स। जो एनिमल्स से दूध निकालते हैं वो देते हैं हमें, उसको हम पीने के यूज़ करते हैं। वी कैन ऑल्सो मेक वेरियस प्रोडक्ट्स, हम उससे बहुत सारे प्रोडक्ट भी बना सकते हैं फ्रॉम मिल्क, मिल्क से, दूध से। सम ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आर कर्ड, दही, चीज़, मटर मिल्क, बटर एंड घी, ये सब प्रोडक्ट हम उससे बना सकते हैं, दूध का यूज़ करके मिल्क से बना सकते हैं। यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ये देख सकते हो आप, कर्ड, दही, पनीर इसमें डाला हुआ है, चीज़, मटर मिल्क, बटर, तो ये सारे आइटम्स हैं ये दूध से बनाए जाते हैं। हनी, हनी इज़ ए स्वीट एंड थिक और विस्कस मटेरियल ऑब्टेंड फ्रॉम बी और हनी बीज। तो जो शहद है वो मीठा होता है और ये विस्कोस होता है, थोड़ा लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है, ये थोड़ा सा लिक्विड से ज़्यादा होता है, लिक्विड से, लिक्विड पूरी तरह से पानी की तरह नहीं होता है, इसको विस्कोस मटेरियल कहा जाता है। फ्रॉम बी और हनी बीज, ये जो मधुमक्खी होती है उनसे हम बनाती है उसको, और वहाँ से हम इसको लेते हैं। इट इज़ न्यूट्रियस एंड ऑल्सो कंटेन्स मेडिकिनल प्रॉपर्टीज़। इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं और इसमें दवाइयों में भी इसको यूज़ किया जाता है बहुत सारी। दस इट इज़ गुड फॉर अवर हेल्थ, ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है जो हमें मधुमक्खियों से मिलता है। नाउ एग्स, एग्स कंटेन प्रोटीन एंड कैल्शियम, एग के अंदर प्रोटीन और कैल्शियम पाए जाते हैं। वी कैन ऑब्टेन एग्स फ्रॉम हेन, हम हेन से
एग्स को ऑब्टेन कर सकते हैं, वहाँ मुर्गी हमें अंडे देती है, डक डक से भी मिलते हैं, एंड गीज गीज एक जानवर है उससे भी अंडे मिलते हैं। दीज एनिमल आर ऑल्सो कॉल्ड पोलेट्री एनिमल्स, इन सब जानवरों को पोलेट्री एनिमल्स कहा जाता है। कुछ चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, डूज एंड डोंट डू। वी शुड ईटन ग्रीन वेजिटेबल्स, हमें ग्रीन वेजिटेबल्स खाने चाहिए, एग्स मिल्क एंड मीट टू कीप आवर सेल्स हेल्दी, तो ये सब चीज़ें हमें खानी चाहिए ताकि हमारी बॉडी हेल्दी रहे। वी शुड वॉश ऑल द फूड आइटम्स बिफोर ईटिंग और कुकिंग, हम जो भी फूड आइटम्स खाते हैं उसको हमें यूज़ करने से पहले, कुक करने से पहले उसको अच्छी तरह से धोना चाहिए, साफ करना चाहिए। देम टू अवॉइड जम्स एंटरिंग आवर बॉडी, ताकि हम उनको जम्स को हमारी बॉडी में एंटर करने से रोक सकें। वी शुड ईट लेस स्पाइसी फूड, एस टू स्पाइसी फूड इज़ नॉट गुड फॉर अवर हेल्थ, हमें चाहिए कि हम कम से कम स्पाइसी फूड खाएं, क्योंकि स्पाइसी फूड हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। डोंट, हमें क्या नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट ईट जंक फूड लाइक बर्गर पिज्ज़ा एक्सेट्रा, हमें बर्गर पिज्ज़ा जंक फूड नहीं खाने चाहिए, एज इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते हैं। वी शुड नॉट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स टू मच, हमें कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए। वी शुड नॉट ईट चॉकलेट्स एंड कैंडीज इन ह्यूज अमाउंट, हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में चॉकलेट्स और कैंडीज नहीं खानी चाहिए, एज दे कैन डिस्ट्रॉय अवर टीथ, ये हमारे टीथ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नाउ मीट, मीट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस एनिमल्स लाइक हेन गोट शीप एंड फिश, ये बहुत सारे एनिमल से मीट हमें मिलता है। इट इज़ रिच इन प्रोटीन, इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। फिश मीट ऑल्सो कॉल्ड वाइट मीट, फिश मीट को वाइट मीट भी कहते हैं, इज मोर न्यूट्रियस देन गोट मीट, जो गोट मीट से ज़्यादा न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं फिश मीट में, और गोट मीट को कहते हैं ऑल्सो कॉल्ड रेड मीट, जो गोट मीट होता है उसको तो कहते हैं रेड मीट, और जो फिश मीट होता है उसको वाइट मीट। नाउ रीजनल फूड, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, अलग अलग इंडिया के स्टेट में अलग अलग तरीके का फूड मिलता है। दीज फूड आर्ट्स कॉल्ड रीजनल फूड्स, इन्हीं फूड्स को हम रीजनल फूड्स कहते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेट। दे आर द ट्रेडिशनल फूड्स ऑफ दीज स्टेट, ये अलग अलग स्टेट का अलग अलग ट्रेडिशनल फूड है। फॉर एग्जाम्पल, इडली एंड डोसा आर द रीजनल फूड ऑफ साउथ इंडिया, तो इडली डोसा जो है वो साउथ इंडिया का रीजनल फूड है। वाइल्ड ढोकला एंड खांडवी आर सम ऑफ द डिशेज मेड इन गुजरात, जबकि ढोकला और खांडवी है गुजरात की डिशेज हैं, वहाँ पर बनती हैं, या इनको कह सकते हैं वहाँ का फूड है। डू यू नो, आप जानते हैं क्या, एप्पल्स आर मेड अप ऑफ 25% एयर, विच इज वाई दे फ्लोट, इसीलिए 25% एयर से बनते हैं और वो इसीलिए तैरते हैं। एवोकाडो हैज़ हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट इन ऑल फ्रूट्स, ये एक तरह का फ्रूट है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। केबेज इज 91% वाटर होता है इसके अंदर 90%। चेरीज आर ए मेंबर ऑफ द रोज फैमिली, चेरी जो होती हैं वो रोज फैमिली की मेंबर हैं। लेमन्स कंटेन मोर शुगर देन स्ट्रॉबेरीज, तो लेमन्स में ज़्यादा शुगर होती है स्ट्रॉबेरीज से ज़्यादा। Lemons contain more sugar than strawberry. Honey is the only edible food that never goes bad. Honey एक ऐसा खाने का फूड है जो कभी भी गंदा नहीं होता या ख़राब नहीं होता, इसको कह सकते हैं। Now you can see in the dishes, these are the dishes of different states. Now South Indian food, these are the South Indian foods. Now Gujarati food, these are Gujarati food. Now people in North India eat chapatis more as wheat is their staple food. तो North India में जो लोग रहते हैं वो चपाती ज़्यादा खाना पसंद करते हैं और wheat से बनती है चपाती, गेहूँ से। However in South India people eat rice more as it is their staple food. और जो South India में लोग रहते हैं वो rice को खाना ज़्यादा पसंद करते हैं चपाती के comparison में, वो उनका staple food है। दाल बाटी चूरमा, गट्टे की खिचड़ी एंड खीर सांगरी आर सम ऑफ द रीजनल फूड्स ऑफ राजस्थान,
तो राजस्थान में ये चीज़ें आपको पता ही है, आप जानते हैं दाल बाटी चूरमा, गट्टे की खिचड़ी और एर सांगरी, ये फेमस हैं राजस्थान के अंदर। यू कैन सी इन दिस फिगर स्टेपल फूड ऑफ नॉर्थ इंडिया, ये नॉर्थ इंडिया का स्टेपल फूड है। स्टेपल फूड साउथ इंडिया डोसा इडली, दाल बाटी चूरमा ये राजस्थान का है, कड़े की गट्टे की खिचड़ी ये राजस्थान का है, और केर सांगरी ये भी राजस्थान का है। यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ये सब अलग अलग रीजन के फूड है। नाउ माइंड मैपिंग ब्रीफली हम डिस्क्राइब करेंगे इसको। फूड क्या होता है? बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ एंड इट्स सोर्सेस। तो हमारे लिए लाइफ के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है फूड को लेना। एनिमल्स और प्लांट्स में डिवाइडेड किया गया है, प्लांट्स और एनिमल्स में। प्लांट्स क्या होते हैं? प्लांट्स के अंदर रूट होती हैं, लीव्स होती हैं, स्टेम्स, फ्रूट, सीड्स, फ्लावर। जो प्लांट्स को खाने वाले होते हैं उनको हर्बीवोरस कहते हैं, और जो एनिमल्स को खाते हैं मिल्क, मीट, फ्लेश, पोल्ट्री, एग्स, उनको कॉर्निवोरस कहते हैं, और जो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों को खाते हैं उन्हें ओमनीवोरस कहते हैं। ये एक सिंपली माइंड मैपिंग है जिससे हमें चैप्टर को ब्रीफली डिस्क्राइब करने में आसानी होती है। नाउ थैंक यू, योर चैप्टर इज बीन फिनिश।